जफर साहब की कॉल है आपके लिए। या मेरे अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कैसे साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे साहब, मुझे पूछना ये था कि फजीला जी जो हैं वो अक्सर हमें सोशल मीडिया पे काफी गुस्से में और रैश नजर आती हैं, और कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स पे भी वो गुस्सा कर जाती हैं। तो ये बताइए कि अब माशाल्लाह बेटे की आपकी शादी हुई है, तो कभी घर में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि आपको बीच में पड़ना पड़ा हो? और मतलब वो क्या वो जवाब दे दूं? पूछ रहे सास कैसी हैं। जवाब दे दूं। देखें, टेलीविजन या सोशल मीडियम जो है वो यकसर मुख्तलिफ होता है हमारी ज़ाती ज़िंदगी से। जो आप टेलीविज़न पे हमें देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। और जो बाकी आपने दूसरा सवाल किया कि लड़ाई झगड़े वाला घर के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और ये बात अगर आप मेरे घर वालों से पूछें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और हमने शादी की भी बड़ी जल्दी में, क्योंकि अम्मी का इंतकाल हुआ था और उस बच्ची के घर वालों से हमारी बहुत पहले बात हो चुकी थी। तो अम्मी के इंतकाल के बाद उन्होंने कहा जी आपकी अमानत है, आप लोग ये ले जाएं वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अम्मी के इंतकाल किसका हुआ था? मेरी अम्मी। आपकी अम्मी का इंतकाल? अच्छा। तो उस वजह से बहुत खामोशी या कम उसमें वो कर लिया था, लेकिन इंशाल्लाह अब थोड़े दिनों बाद जब बड़ी दावत करेंगे। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ऐसा लग समझ ही नहीं आती टाइम इतनी जल्दी गुजर गया। बच्चे बड़े हमारे सामने तो हमें याद है शादी की तस्वीरें देखी। लॉयर है, दूसरा अमेरिका में पढ़ रहा है क्रिमिनल साइंसेज और जस्टिस सिस्टम, वो वहाँ है बॉस्टन में, वो भी हाई कोर्ट का लॉयर है। तो माशाल्लाह आपके बच्चे बहुत अच्छे थे एजुकेशन में, ये मुझे अच्छे से याद है, बहुत अच्छे थे पढ़ाई में। वो इसलिए कि फजीला पढ़ाकू है ना। अच्छा। मैं हम तो डी ग्रेड में पास होने वाले, सी ग्रेड में। हाँ। मैं तभी तो कह रहा था कि लड़कियाँ अच्छी पढ़ाकू होती हैं, उनकी एकेडमिक्स बड़ी अच्छी होती है। लेकिन आपके बेटे भी अच्छे थे ये मुझे पता है अच्छे से। वो माँ पे गए शुक्र है। एक